मुफ्ती अरबाब शमसी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम लोग सुनते हैं और निकाह के मौके पर देखते भी हैं कि जब काजी साहब आते हैं तो हमारे सामने एक हदीस बयान करते हैं कि अन्निकाह मिन सुन्नती और कमा काल अलैहि सलातो सलाम की रिवायत नाखर फमन रगीब अन सुन्नती फलेस मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मेरी सुन्नत के ऊपर अमल नहीं करेगा, तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो इससे हमें निकाह की अहमियत का पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह ना करने वालों से अपने ताल्लुक का इनकिता करार दिया है कि उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब मसला यह आता है कि निकाह किस तरह की ख्वातीन से किया जाए, निकाह के अंदर हमारा इंतखाब किस नौयत का हो, इस बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकहुल मरअतु लिअरबईन, ख्वातीन से चार बुनियाद पर शादी की जाती है, वली मालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन और कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के चार बुनियादी उसूल बयान फरमाए हैं कि बाद इंसान वो होता है जो माल हासिल करने के लिए निकाह करता है, या किसी खूबसूरत ख्वातीन को देखकर निकाह के पैगाम को भेजता है, या आला हसब नसब को देख करके निकाह करता है, और बाद इंसान वो होता है जो लड़की के दीनदारी की बुनियाद पर या ख़ानदान की दीनदारी की बुनियाद पर शादी करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दर्जे में जो दीनदारी को बयान फरमाया गया है वो अगर कोई शख्स दीन की बुनियाद पर शादी करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कामयाब करार दिया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बुनियाद पर शादी करने को कामयाब और बेहतर करार दिया है। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह इंसान की निगाहों को झुका देता है, इंसान निगाह के एतबार से महफूज हो जाता है, वाहसन लिलफरद, इंसान शर्मगाह के एतबार से गलतकारी के अंदर बेहयाई के अंदर मुबतला होने से बच जाता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाह निसफुल ईमान, जब इंसान शादी कर लेता है तो उनका आधा ईमान महफूज हो गया है। अत्तहारतु निसफुल ईमान, आप शादी कीजिए, आपने आधे ईमान को महफूज कर लिया। हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान गलतकारी के अंदर मुबतला होता है तो उसे गुनाह मिलेगा, तो वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई इंसान अपनी बीवी से मुजामात करता है, अपनी बीवी से सोहबत करता है, तो जिस तरीके से गलत करने में गुनाह है तो अपनी बीवी से हलाल तरीके से मिलने पर उसे सवाब मिलेगा। और हदीस में तो हजरत यहाँ तक बयान किया गया, अगर आप अपनी बीवी को लुकमा खिलाते हैं तो उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। आप बीवी से बातचीत कीजिए, बीवी से मतलब हंसी मजाक मिजा है तो इसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा। जहां इन सब चीजों से गैरों के साथ नामहरम के साथ करने पर गुनाह है तो आप अपने मतलब हलाल तरीके से करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा।